हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप व्हाट्सएप पर किसी का भी स्टेटस देख लेंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसका स्टेटस देख लिया है। जैसे कि आप जानते हो, आप व्हाट्सएप पर किसी का भी स्टेटस देखते हो, उसको पता लग जाता है, उसको शो हो जाता है कि आपने उसका स्टेटस देख लिया है। ठीक है, अब आप ये सोचते हो कि मैं उसका स्टेटस देख लूँ और उसको पता भी ना चले, तो वो ट्रिक मैं इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ आपके लिए कि आप किसी का भी स्टेटस देखो, उसको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको करना है ये ट्रिक को अपने मोबाइल में, अपने व्हाट्सएप पर, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू कर लेते हैं और चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर। तो फ्रेंड्स, आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अब जैसे आपको क्या करना है, किसी का भी स्टेटस देखना है, उसको पता भी ना चले, इसके लिए आपको करना क्या है। यहाँ पर सबसे पहले आपको स्क्रीन पर मेरा दो व्हाट्सएप दिख रहा है, तो मैं दोनों व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक मोबाइल से स्टेटस लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं स्टेटस में जाऊँगा, उसके बाद यहाँ पर से मैं कोई सा भी यहाँ पर स्टेटस लेके यहाँ पर लगा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर ये टिक कर लेता हूँ, और इसके बाद ये कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ये कर लेता हूँ। यहाँ तीन मैंने फ़ोटो ले लिया है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप तीन फ़ोटो है। अब मैं इसको यहाँ पर क्या करूँगा, सॉरी ये कट गया, फिर से मैं फिर से टिक कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए तीन स्टेटस है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसे लगा देता हूँ। और यहाँ से देखिए सेंडिंग हो रहा है, तीन यहाँ पर से लग चुका है। अब यहाँ पर देखिए मैं इधर जाता हूँ अपने मोबाइल में, तो यहाँ पर शो होने लगा, यहाँ पर देख सकते हैं जस्ट नाउ अभी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं व्यूज़ कर मतलब देख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने तीनों देख लिया है। और यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर पहला अभी व्यू हो गया, यहाँ पर से तीनों व्यूज़ हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर देखिए आसिम जो यहाँ पर शो होने लगा है, मैंने स्टेटस देख लिया है। अब क्या होता है कि आप किसी का भी स्टेटस देखते हो, उसको शो होने लगता है इसी तरीके। तो अब आपको करना क्या है, उसका स्टेटस देखना है, उसको पता भी ना चले, तो इसके लिए आपको करना क्या है। पहले सबसे पहले मैं इधर से डिलीट कर देता हूँ तीनों स्टेटस। ठीक है, तीनों स्टेटस मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ से भी हट गया तीनों स्टेटस। अब यहाँ पर से देखिए करना क्या है, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं स्टेटस में जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं फिर से स्टेटस दूसरा लगा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक क्या है जिससे आप किसी का भी स्टेटस देखेंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से पहले मैं लगा देता हूँ स्टेटस, दूसरा स्टेटस मैं लगा देता हूँ। यहाँ पर देखिए तीन स्टेटस मैंने फिर ले लिया, और यहाँ पर ओके कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए तीन स्टेटस मैंने ले लिया है। अब यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ, और यहाँ पर ये देखिए पब्लिश हो गया है, अब यहाँ से हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जस्ट नाउ लिखा हुआ है। अब यहाँ से आप देख लेंगे तो फिर यहाँ पर व्यू दिखाने लगेगा कि फिर आपने देख लिया। मगर आपको एक ट्रिक करना है, क्या ट्रिक करना है मैं आपको बताता हूँ। तो आपको सिंपली आप देखिए ऊपर तीन डॉट्स दिख रहा है, इस पर आपको चले जाना है। इस पर जाने के बाद यहाँ पास सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर आपको चले जाना है। इस पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको चले जाना है। इस पर जाने के बाद यहाँ प्राइवेसी का ऑप्शन है, इस पर आपको चले जाना है। इस पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है रीड रिसिप्ट करके, तो ये आपका ऑन रहेगा, यहाँ पर देखिए ये ऑन रहेगा, तो आपको इसको ऑफ कर देना है। जैसे ही आप ऑफ करेंगे, उसके बाद यहाँ पास मैं बैक चले जाता हूँ। बैक जाने के बाद ये जो स्टेटस है, अब यहाँ पर से आपको स्टेटस देखना है। ठीक है, यहाँ पर आप स्टेटस देखेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने तीनों स्टेटस देख लिया है, और यहाँ पर देखिए अभी भी जीरो व्यूज़ दिख रही है। यहाँ पर देखिए मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, यहाँ फिर से मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए फिर से मैंने देखा, यहाँ पर देखिए फिर से मैंने देखा, और यहाँ पर अभी भी जीरो व्यूज़ दिख रही है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने देख लिया, ये देखिए यहाँ मैंने देख लिया, और यहाँ पर अभी भी ये जीरो व्यूज़ दिखाई दे रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से एक ट्रिक करके, जो मैंने रीड रिसिप्ट वाला ऑप्शन बताया था, अगर आप वो हमेशा ऑन रखे रहेंगे, उसके बाद आप किसी का भी स्टेटस देखेंगे, उसको पता तक नहीं चलेगा कि आपने उसका स्टेटस देख लिया है। तो इस तरीके से आप व्हाट्सएप पर किसी का भी स्टेटस देख लेंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो फुल वॉच कर लिए होंगे और इस ट्रिक को आप सीख लिए होंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है, या और भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप यहाँ पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी देख रहे हैं, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा और मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आप बिना फॉलो किए मुझे मैसेज करेंगे, वो रिक्वेस्ट मैसेज चला जाएगा। तो इससे बेहतर है आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर लीजिएगा। तो नीचे उन्होंने बताइए जरूर कैसी लगी वीडियो, अच्छी वीडियो के एक लाइक दीजिएगा, अपने दोस्तों शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में।